उधर तो पद्मावत की सखियां रणवीर पर फटकार लगा रही थी और इधर पद्मावत के मन में रणवीर के प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाती है। सोचा कि यूं तो सावित्री ने भी अपने पति का स्वयं ही चुनाव किया था और पार्वती ने भी शंकर जी को अपने साथ शादी करने के लिए रिझाया था। दमयंती ने भी अपनी इच्छा का पति चुनकर जयमाला डाली थी। मैं तो शादी नहीं करवाऊंगी, लेकिन मुझे तो आज ऐसा लगता है कि शंकर जी ने, जिनकी पूजा मैं यहाँ तालाब पर स्थित शिव मंदिर में किया करती हूँ, उन्होंने स्वयं ही इस लड़के को मेरे पति के रूप में यहाँ भेजा है। प्रेमियों, इस प्रकार पद्मावत के मन में रणवीर के प्रति प्रेम की इच्छा प्रबल हो जाती है और भावनाओं की धारा में बह चली रणवीर की ओर फूलों को फेंक करके उसे प्रेम के इशारे करने लगी और कई प्रकार के इशारे करके वहां से चल पड़ती है। अपनी सखी से रास्ते में कहती है कि सखी, यह लड़का बातें बहुत बनाता है, देखा ना कैसे उल्टे सीधे जवाब दे रहा था, और मुझे कुछ ऐसा भी महसूस होता है कि यह कोई राजा का लड़का हो और शायद मेरे प्रेम का आशिक भी हो। तो पद्मावत की सखी झुंझलाकर पद्मावत से कहती है कि दीवानगी में तू कोई कम थोड़े ही है, वह तेरा परवाना है और तू है उसकी दीवानी। और फिर क्या कहने लगी, मरती कदेयो मरता थारी तर तर चले जबान, झूठ सांच की जानन याला तिरलो की भगवान। मरती कदेयो मरता थारी तर तर चले जबान, झूठ सांच की जानन याला तिरलो की भगवान। भैया की सू थारी बातां की मेरे दोरे काट नहीं, थारे आपस में चले सारे मन मालूम पाट सही, सोच समझ के चले वो नर बारा बात नहीं। तू बोले कदे जो बड़ी बोले कोई सा भी घाट नहीं, इसे ढाड़ के अकल बंदे ने हो, इसे ढाड़ के अकल बंदे लोग कहें बेईमान। झूठ सांच के जानने आला तिरलो के भगवान, मरती कदेयो मरता सारी तर तर चल जबान, झूठ सांच के जानने आला तिरलो के भगवान। कवारे में तने बबल के घर उम्र बिता दी पड़ी रे तो बारे में, खेल पति सा नहीं मिल चाहे तो जग सारे में, पण में सर के लेखा होगा शरम दुआरे में। प्यार करते प्यारे में समझे हाँ,
प्यार करते प्याने समझे अपने कैसी जान जोड़ के जानने आला त्रिलोक भगवान तू मर फिर कदयो मरता थरी सर सर चल जबान जोड़ के जानने आला त्रिलोक भगवान कहती परण पे मर लूंगी तला के ऊपर शिव मंदिर में मैं पूजा कर लूंगी कहती भेष कवारे में मैं पारे उतर जाऊंगे शिव जी ने बरदान दिया थे फिर पति मर लूंगी कद मेहर फिरी हो शिव जी की हो मेहर फिरी हो शिव जी की हो भेज दिया इंसान छोड़ के जानन आला त्रिलोक भगवान तू मरती कदयो मरता धरी सर दर चय जबान जानने आला त्रिलोक भगवान हाँ प्रेम में भर के प्रेम में भर के फूल मार दिए के ना लगी तो तेरे कितना दुख होगा ना जू तेरा गड़गो पीठ फेर के करे इशारे कर घूमती ओ दिन समझे बेकूफ बतावे लक्ष्मी चंदा को सर लिया होते चाल घरा सर लिया होते चाल घरा सारी ठीक बाजली तान छोड़ के जानने आला त्रिलोक भगवान तू मरती कदयो मरता सारी तर तर चय जबान छोड़ के जानने आला भगवान। मालन को लालच देने के लिए फूल सिंह ने 5 सर्पी निकाल के उसके हाथ पे रख दी तो फिर तो मालन नरमा गई और फूल सिंह को बाग में ठहरा लिया। तो फूल सिंह मालन से पूछता है कि तू बाग में क्या क्या काम किया करती है। मालन बोली, भाई मैं तो राजा करण सिंह की लड़की नौटंकी के वास्ते रोज फूलों का हार बनाया करती हूँ। तो फूल सिंह मालन से कहता है कि मालन तू मेरे वास्ते खाना बना दे और मैं बदले में तेरा हार बना दूंगा। और फूल सिंह क्या कहता है, रोटी टुकड़ा कर दे मालन चार मेरा री बदले में हारे बना दूं तेरा री बदले में हार बना दूं मालन तेरा री चार मेरा री बदले में हार बना दूं तेरा री
घड़ी का हार बना दूं आधी घड़ी में, नौटंकी का हार बना दूं आधी घड़ी में, जड़ दूंगा लड़ी मैं हीरे पन गला ले रारी, बदले में हार बना दूं तेरा ही, बदले में हार बना दूं मालन तेरा ही। समय मिली से बारी दुख भर के, परदेसी ने पड़े बोलना री मालन डर के, परदेसी ने पड़े बोलना री मालन डर के, कर्मा करके हरे बाग में मेरा लग गया फेरा री, बदले में हार बना दूं तेरा ली, बदले में हार बना दूं मलन तेरा ली। दमड़ी पे सरी मैं के हार बना दूं मलन ऐसा बेसरी, मैं के हार बनाऊं मलन ऐसा बेसरी, हार बना दूं ऐसा री ना कद गल में गेरारी, बदले में हार बना दूं तेरा री, बदले में हार बना दूं मलन तेरा री। के भेष में छिपे जानी चोर ने अदली खां को बताया कि खां साहब क्या बताऊं, जानी ने तो मुझे ही परेशान कर दिया है, क्यों कैसे किस तरह से क्या बताऊं जनाब, मैं तो पीसती हूं और वो बार बार मेरा चून उठाकर ले जाता है। तो अदली ने विचार लगाया कि यहां जानी हाथ आ सकता है, कहता है बुढ़िया से कि बुढ़िया तू एक काम कर, जल्दी से चाकी पर से उठ जा, अपने सारे कपड़े मुझे दे दे, मैं चक्की पीसने लगता हूं, जानी यहां जरूर आएगा, आते ही उसे मौत के घाट उतार दूंगा। तो जानी ने अपनी जनानी पोशाक अदली खां को पहना दी और अदली खां के कपड़े खुद पहन लिए। चलते समय जानी कहता है कि खां साहब आपके जो मूछ दाढ़ी हैं इनको देखकर तो जानी आपको साफ पहचान लेगा और वापिस चला जाएगा, तो आप ऐसा करो कि इनको भी काट दो। तो अदली ने कहा कि बुढ़िया तू ठीक कहती है, और जल्दी जल्दी में अदली ने अपनी मूछ दाढ़ी भी काट दी। अदली खां 12 बजे से लेकर रात भर चक्की पीसता रहा और जानी चोर महकदे के पास आ गया, उसे अपना सारा भेद बता दिया और फटाफट दोनों वहां से चल दिए और चलते समय एक परवाना अदली के दरवाजे पर लिखकर टांग दिया। और क्या लिख दिया,
तेरी दाढ़ी मूछ काट के अदली ले चला महक दे नारी ने तेरी दाढ़ी मूछ काट के अदली ले महक दे नारी धम्मन का भी माल लूट लिया काट में थाने दार कूट दिया मने धम्मन का भी माल लूट लिया काट में थाने दार कूट दिया साढ़े चक्की पीसन कूट दिया तू देख मेरी हुशियारी ने दाढ़ी मूछ काट के अदली ले महक दे नारी ने चला महक नारी ने ले चला महक दे नारी ने तेरी दाढ़ी मूछ काट के अदली ले चला महक दे नारी ने मन यार के कारण यार के कारण कष्ट भरा था मैं बचना तेन मूड फिरा था यार के कारण कष्ट भरा था मैं बचना तेन मूड फिरा था मेरे ते सवाल करा था नर सुल्तान यार की यारी ने तेरी दाढ़ी मूछ काट के अदली ले चला महक दे नारी ने ले चला महक नारी ने ले चला महक दे नारी ने तेरी दाढ़ी मूछ काट के अदली ले चला महक दे नारी ने हाँ तेरी नगरी में समय लिया थोड़ा तेरी इज्जत का कर दिया झोड़ा तेरी नगरी में समय लिया थोड़ा तेरी इज्जत का कर दिया झोड़ा जे मारे कनी मुंह मोड़ा था ले जा बेगम तारी ने दाढ़ी मूछ काट के अदली ले महक दे नारी ने ले महक दे नारी चंद लक्ष्मी यो चंद लक्ष्मी चंद ने गाया इसी फलादी शहर में माया यो चंद लक्ष्मी चंद ने गाया इसी फलादी शहर में माया किसे साले के हाथ न आया तेरा था नगरी सारी ने तारी मूछ काट के अदली ले चला महक दे नारी महक दे नारी ने ले चला महक दे नारी ने तेरी दाढ़ी मूछ काट के अदली ले चला महक दे नारी ने ले चला महक दे नारी ने ले चला महक दे नारी ने तेरी दाढ़ी मूछ काट के अदली ले चला महक दे नारी ने जानी महकते को ले आया और उसके घर पहुंचा दिया गया
ये किस्सा अब यहीं समाप्त होता है। करके प्यार बुला ले घर पे, कदे छोड़े मरवा दे, हो इसी जात लुगाई की दो दिले का करवा दे। करके प्यार बुला ले घर पे, कद जोड़े मरवा दे, हो इस जात लुगाई की दो दिले का करवा दे। कौन लगो दे, कर ले प्रेम कदे हंस के कदे साजन आगे रो दे, कदे खसम मार के सती बने से दाग जिगर के धो दे, तेरे कहे ते आ गया सू कदे घर घाट गाम ते खो दे, कहे ते आ गया सू करे घाट काम ते खो दे। चोरी जारी सर ला के फेरे, चोरी जारी सर ला के फेरे, बेली तक भरवा दे, हो इस जात लुगाई के दो दिले का करवा दे। करके प्यार बुला ले घर पे, कर जोड़े मरवा दे, हो इस जात लुगाई के दो दिले का करवा दे। अपना परन हारे दे, भूखे नंगे के संग हो ले और खसम का शीश तारे दे, मानस तेना जा संगवाई खोची सिधारे दे, तीर सांप में फर्क नहीं मो के पे डंक मारे दे, सामने में फर्क नहीं मो के पैडंक मारे दे। अपलातून आदमी का सर, अपलातून आदमी का सर, पाया में धरवा दे, हो इस जात लुगाई के दो दिले का करवा दे। करके प्यार बुला ले घर पे, कल जो है मरवा दे, हो इस जात लुगाई के दो दिले का करवा दे। समझ गए
लाड लडा दे, तन मन धन से हाजिर होके सच्चा प्रेम बढ़ा दे। अच्छे न ये कर दे बुंदा, बुंद न शिखर चढ़ा दे, एक रात जा साजन धोरे बीए तलक पढ़ा दे। एक रात जा साजन धोरे बीए तलक पढ़ा दे। तेरे हाथ में जान कदे दू, तेरे हाथ में जान कदे दू, मेरा सर दरवा दे। पाला करे दे, हथा लावे पाया बुझावे, जी का गाला करे दे। मां पिता और पति के धोरे रहन कटाला करे दे, मुख मार दे दीवे मैं कदे सहम उजाला करे दे। कुमार दे दीवे मैं कदे से उजाला करे दे। लक्ष्मी चन कहे वीर साथ में, लक्ष्मी चन कहे वीर साथ में, हवा और फेरवा दे। हो इस जात भाई के दो दिल का करवा दे, कर के और अब सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम अनेक भाषाओं में अपने मन पसंद गीत, लोकगीत, भजन, कव्वालियों और हंसने गुदगुदाने वाले सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स ही खरीदिए। घटिया क्वालिटी के डुप्लीकेट कैसेट्स आपके कैसेट डेक और टेप रिकॉर्डर के लिए खतरनाक हैं। ओरिजिनल सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स खरीदने से पहले सोनोटोन का ट्रेडमार्क जरूर देखिए। सावित्री सत्वान की कथा सुना रहा हूँ। देवी सावित्री जिस पर गर्व करता है हमारा इतिहास, जो कि एक मिसाल है दुनिया की औरतों में। मगध देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। जब वह जवान हो गई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। राजा सावित्री के योग बर की तलाश में निकल पड़ते हैं घर से, लेकिन बहुत अधिक घूमने फिरने के बावजूद बर का संयोग नहीं मिल सका। निराश राजा घर लौट जाते हैं। राजघरानों में, उच्च कुलों में व उत्तम व सुशिक्षित परिवारों में नीति नियमों व सिद्धांतों की बातों पर खुलकर विचार किए जाते हैं। स्पष्ट बातें कही जाती हैं। किसी बात में छिपे हुए गुण दोष, उसकी कमियों श्रेष्ठताओं, उसकी अच्छाइयों बुराइयों पर बेझिझक वार्तालाप हो जाते हैं। अतः राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री को
उसके योग वर ढूंढने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। कहते हैं कि बेटी तू स्वयं ही अपने योग वर की तलाश कर ले, मैं अति शीघ्र तेरी शादी करना चाहता हूँ। और क्या कहते हैं, जवान अवस्था बोला खुद बेटी ते बाप तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। देख के जवान अवस्था बोला बेटी ते बाप तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। ओ तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। ब्राह्मणों ते वचन सुने थे धर्म और शास्त्र के, शानी बेटी करा कवारी पाप उदय हो उस घर के। ठीक समय पे कन्या दान कर काम नहीं से डर के, तन पति मिले मन आने बता आधीन करूं उस बर के। तन पति मिले मन आने बता आधीन करूं उस बर के। तेरे दिन दिन क्वारी रहने ते दिन दिन क्वारी रहने ते मेरे सर पे चढ़ा श्राप। तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। ऋतु काल में जो नर ना गृहस्थी के नेम निभाते ब्रह्म हत्या का दोष चढ़े और करनी का फल पाते। जिस स्त्री के बेटा हो और पति देव मर जाते वो जीते जी मर गए जो माँ की रक्षा नहीं चाहते। वो जीते जी मर गए जो माँ की रक्षा नहीं चाहते। वो अपने हाथों तरे शीश पे अपने हाथों तरे शीश पे हाँ तीन जन्म का पाप। तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। देख के ज्वारे अवस्था बोलो खुद बेटी तबाप तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। ओ तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। राजा अशुपति बयान करते हैं कि हे पुत्री मुझे बहुत डर है ऐसा ना हो कि देवता लोग तेरी शादी में देरी होने की बात पर मेरी निंदा करें। तो राजा ने बहुत सा धन देकर एक वाहन तैयार कर मंत्री महाबली को साथ में भेज दिया और सावित्री को आज्ञा दे दी किस बात की।
देवता निंदा नहीं करें तो मेरी इसमें बात भली। वाहन सजा संग नौकर कर दिए ना कर्मा की रेख टली। बहुत सा द्रव दिया था संग में और मंत्री महाबली। फिर पिता को शीश झुका के रथ में बैठ चली। फिर पिता को शीश झुका के रथ में बैठ चली। हाँ उसी मार्ग से चाल पड़ी, उसी मार्ग से चाल पड़ी, जहाँ ऋषियों का तप जाप। तेरे ब्याह की खातर फिर लिया साहुया मेरे लाल। देख के द्वारे अवध का बोला सुन बेटी दबाप। तेरे ब्याह की खातर फिर लिया साहुया मेरे लाल। हो तेरे ब्याह की खातर फिर लिया साहुया मेरे लाल। सावती घर से चल पड़ती है और रास्ते में ख्याल करती है कि ये तो हर संतान का कर्तव्य है कि अपने परिवार के दुख सुख में हाथ बटाए। अन्यथा तो इंसान पाप का भागी बन जाता है। जब मेरे माता पिता मेरी शादी की बात पर गहरी चिंता करते हैं तो फिर मेरा तो ये फर्ज है कि इस कार्य में उनकी मदद करूं। और फिर क्या सोचा, हाँ अपने कुटुंब के दुख सुख के माँ शामिल होना चाहिए। धर्म ज्ञान की चर्चा में ना कुकर्म बोना चाहिए। मात पिता ने सुख हो जा जब सुख ते सोना चाहिए। करूं एकली कर कई बेपति खुद ही टोना चाहिए। करूं एकली फिकर कई बेपति खुद ही टोना चाहिए। लक्ष्मी चंतु लगा प्रेम से, लक्ष्मी चंतु लगा प्रेम से, गुरु मान सिंह की छाप। तेरे ब्याह खातर मेल मिला देख के द्वारे अवस्था बोलो खुद बेटी दबाप। तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। हो तेरे ब्याह की खातर फिर लिया ना हुआ मेल मिलाप। जानी चोर ने एक परवाना लिख के और अदली खां के दरवाजे पे चिपका दिया। उसमें क्या क्या ऐलान लिख दिए ये मजबून है परवाने का। भूरे मेव का बेटा चोर गढ़ी काम से मेरा भूले मत ना अदली जानी नाम से मेरा। भूरे मेव का बेटा चोर गई काम से मेरा भूले मत ना अदली जानी नाम से मेरा।
अवे गुण तेरे सारे छां तू तेरी मुँह चोरदारी काटूंगा तेरी मुँह चोरदारी काटूंगा यो है काम से मेरा भूले मत ना अगले जानी नाम से मेरा भूले मेरे का बेटा चोर गजी दुखे तारा तारा के दे जा नार महक दे न ले जहां नार महक दे न ले जा ऐलान से मेरा भला भूले मत ना अगले जानी नाम से मेरा भूले मेरे का बेटा चोर गई काम से मेरा पेज परण का डन हो लिया मेरे मरण का महल बता दे चंद किरण का मैं भूखा दर्शन का भूखा दर्शन का मैं पूरा सू पेज परण का काम अकल ते गल राजाड़ काट मेरे गलते
बल राजा ने काट मेरे गले, हाँ बड़ी मुश्किल ते नगरी पाई, खुश हो गया तू सही दिखाई, न ते इस जंगल में होता ताई, देर मेरे तन का मैं भूखा दर्शन का, मैं पूरा सूं पेजे परण का, दंग हो लिया मेरे मरण का, मैल बता दे चंद किरण का, भूखा दर्शन का, मैं भूखा दर्शन का। लगी हुई टुकने सब रोवे से अपने सुखने, सब रोवे से अपने सुखने, हाँ पिछले दुखने, पिछले दुखने कभी भुला दे, चंद किरण ने मन मिला दे, खिल जाते तू आज खिला दे, फूल मेरे मन का, मैं भूखा दर्शन का, मैं पूरा सूं पेज परण का, संग हो लिया मेरे मर का, मैल बता दे चंद किरण का, मैं भूखा दर्शन का। तन अपनी जान भेद खोले से, हाँ पण आदीन दास बोले से, पण आदीन दास बोले से, हाँ तृष्णा डोले से रंग लिया दे, जाने शहरे पनाह के काजे, आज मन जाते तू मन वादे, त्योहार परसिन का, मैं भूखा दर्शन का, मैं पूरा सूं पेज परण का, संग हो लिया मेरे मरण का, मैल बता दे चंद किरण का, मैं लक्ष्मी चंद राम की माया, वेद बात का बुझा चाहया, वेद बात का बुझा चाहया, हाँ उसा है पाया जिसा सुनिया से, फर्क नहीं कुछ थोड़ा घना से, कंचनपुर सारा शहर बना से, सारा है कंचन का, भूखा दर्शन का, मैं पूरा सूं पेज परण का, जंग हो लिया मेरे मरण का, मैल बता दे चंद किरण का, मैं भूखा दर्शन का, भूखा दर्शन का। इधर लक्कड़हारा क्षण कंगन को एक सेठ के यहाँ गिरवी धर के और बाजार से खाने पीने का सामान तथा दूसरी जरूरत की वस्तुएं खरीद कर कुटी में ले आया और आते हुए खाना पकाने के वास्ते चूल्हे में जलाने के लिए कुछ लकड़ियां भी ले आया। बीना कहने लगी कि महाराज,
ये लकड़ियाँ तो बड़ी कीमती हैं, ये तो चंदन की लकड़ियाँ हैं, क्या इनको मैं चूल्हे में जलाऊं? तो लकड़हारा कहने लगा कि मैं तो ये ही लकड़ियाँ एक गट्ठर रोजाना सेठ लोबीलाल के घर डालता था और बदले में उसके घर खाना खाया करता था। तो फिर महाराज लोबीलाल ने तो आपको लूट लिया है, तो इसमें अब मैं क्या कर सकता हूं बिन्ना? महाराज मैं बताती हूं, आप जाकर लोबीलाल से अपना हिसाब किताब करवाओ और मैं मर्दाना वेश बनाकर आती हूं और चंदन की लकड़ियां खरीदने का बहाना बनाकर सौदा तय कर लेती हूं। तो प्रेमियों दोनों लोबीलाल सेठ के यहां पहुंच जाते हैं, उधर तो लकड़हारा अपना हिसाब मांगता है और इधर बिना लकड़ियां खरीदने के बहाने से सौदा तय कर लेती है। और फिर लोबीलाल को वास्तविकता बताई और उसको डर भी दिखाया कि मैं राजा रायसिंह की लड़की हूं, इस लकड़हारे का पूरा पूरा हिसाब कर दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इस प्रकार लाखों रुपए लेकर वहां से चले आते हैं। पहले क्षण कंगन छुड़ाया, फिर एक सेठ के यहां पैसा जमा कर दिया, घर आ गए। तो लकड़हारा अपनी वह बीना की किस्मत के चमत्कार को देखकर कहता है कि बीना, माता पिता का प्यार ना तो मेरी और ना तेरी ही किस्मत में है, यूं तो हम दोनों अभागे हैं, लेकिन फिर भी एक बात है कि माता पिता तो जन्म के ही साथी होते हैं, किस्मत के या जीवन के नहीं। और के कहने लगा, के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना खोए बनता नहीं हिमाती। मात पिता हो जन्म देनिया नहीं कर्म के साथी, सतगुरु ज्ञान विचार बिना खोए परख दिया वो छोटा न रहने का, जो मालिक ने बड़ा करा वो छोटा न रहने का। कार पशु और चतुर पुरुष कदे मोटा न रहने का, जिस घर में पतिव्रता नारी उड़े छोटा न रहने कहाँ, छोटा न रहने भी होते ए रे 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 ए रे 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 रे, टोटा भी होते गिर न चाहिए वज्र कैसी छाती, सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती। माता पिता हो जन्म देनिया नहीं कर्म के साथी, ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं माती।
सतगुरु जी की, सतगुरु की आज्ञा ते दिन दिन कला सवाई हो से। बारह बरस से ऊपर रोगी खुद आप दवाई हो से। दी बेटी ने लेन देन की मान बढ़ाई हो से। वक्त पड़े पे काम लेन की कष्ट कमाई हो से। हाँ कष्ट कमाई हो से। बिना कमाए एरे रे 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 एरे रे रे रे। बिना कमाए न कुटुंब कबीला ना कोई गोती ना थी। सतगुर ज्ञान विचार बिना कोई बंदा नहीं माती। माता पिता हो जन्म देनिया नहीं कर्म के साथी। सतगुर ज्ञान विचार बिना कोई बंदा नहीं माती। जबर बरोटा मन अपने सर रखा था। लोभी लाल का कमा कमा घर ठाडा भर रखा था। वो भी मालिक ने दुआ दिया मन जो कुछ कर रखा था। क्षण कंगन भी छुटा लिया मन गहने धर रखा था। गहने धर रखा था। फिर मर्दाना रे बेस्तार फिर मर्दाना बेस्तार के लाली घूंघट गती। सतगुरु ज्ञान कार बिना कोई ईश्वर ने दीवा दिया तने जो कि मैं खो रखा था। बालकपन में मां मरगी मन नू जंग झो रखा था। मान सिंह का गांव बसोदी गुरु मन टो रखा था। लक्ष्मी चंदू काट लिए तने जो कुछ बो रखा था। जो कुछ बो रखा था। कटन ने एक रे 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 रे। कटन ने एक खेत बता दिया और दे दी ज्ञान दराती। सतगुर ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती। प्रेमियों लकड़हारा एक बेहद कंगाल लड़का तो अब अचानक धर्मान हो गया। यही तो है कि किस्मत का कुछ पता नहीं पाता कि कब पलटा खा जाए। लेकिन एक बात है, बड़ी बड़ी मुसीबतें भरनी पड़ी थी बिचारे को। देखो ब्याह की कैसी अजीब बात हुई कि राजा राज सिंह के भेजे हुए सिपाहियों ने अचानक वनों में घूमता फिरता पकड़ लिया। जा तो रहा था लकड़ी लेने के लिए और कर दिया जबरदस्ती ब्याह, मिल गई बहू।
क्योंकि हीणा कमजोर था ना, सिपाहियों के आगे पार नहीं बसाए बिचारे की, नहीं तो के कोई ब्याह की उम्र थोड़ा ही थी अभी। और भाई इन सिपाहियों की बात मत पूछो, कदे कदे ऐसा भी हो जाए कि एक मिसाल याद आ गई। मजाक की बात है कि पीपली गांव का एक आदमी था और जात थी उसकी छिमकी, उसके हो गई चोरी और जाके उसने थाने में रपट दर्ज करवा दी। दरोगा जी और सिपाही तहकीकात के लिए गांव में चले आए तो छिमपी का ही तो चोरी हुई और सिपाहियों ने जाकर छिमपी तना दिया। बुलवा के सवाल करते गए एक के बाद एक। दरोगा जी उसकी ओर के डंडा हिला के बोले, अबे इधर आ, क्या बात हुई, कैसे कैसे हुई, कौन है तू, फिर क्या जात है, कौन सा काम है, क्या नाम है। तो छिमपी भाई तो रूल देख के घबरा गया, न्यू कहना तो भूल गया के जी मैं पीपली गांव का छिमपी हूँ। बोला के जी मैं हूँ छिपड़ी का पिंपी। दरोगा जी बोले, अबे उल्टा सीधा बोलता है, ये रूल नहीं दिखता तुझे। तो छिमपी भाई और भी घबरा गया। दरोगा जी कहने लगे, अच्छा ये बता क्या क्या चीज चोरी में गई। तो कहने लगा के जी भैंस और गाढ़ा चोरी में चले गई। अबे कितना गाढ़ा, कैसी भैंस थी तेरी। बोला के जी सरकार जी मेरी 20 गज तो भैंस और 51 गाढ़ा चोरी में चला गया।